लॉकडाउन के बाद खुले सुखना लेक पर पर्यटकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते लोग नियमों का उल्लंघन भी करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर सब इंस्पेक्टर बलराम सिंह राणा का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और आज हम मौजूद है सुखना लेक पे, जहां हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर से कि यहां पर कितने लोगों का चालान कट रहा है और कितने लोग यहां पे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आपका नाम? मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर बलराम सिंह। सर आप यहां पे कितने दिनों से ड्यूटी पे हैं? 2.5 साल हो गए। सर सुखना लेक पे कितने दिनों से? सुखना लेक पर 2.5 साल से ड्यूटी पे। अच्छा, और अभी जैसे कि दूसरी वेव आई उसके बाद में मतलब उसका चलानों का सिलसिला ज्यादा हो गया। हाँ जी। तो आप दिन के कितने चलान कट जाते हैं लोग? 80-90 देते हैं रोज। मतलब यहाँ पे लोग कितने लोग उल्लंघन करते हैं, या मतलब कई बार आप वार्निंग देके भी छोड़ देते हैं कुछ लोगों को, तो उसका कितना आंकड़ा है रोज? नहीं, वार्निंग तो देते ही देते हैं, लेकिन कई वार्निंग के बावजूद भी नहीं मानते, उनके तो फिर चलान करने पड़ते हैं जी। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप बोलते हो चालान काटेंगे, हाँ, तो वो मना कर देते हैं कि हमारा किस चीज़ का चालान, हमने मास्क पहन रखा था, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो मना तो सभी करते हैं जी, कौन कहता है मेरा चालान काटो, उनका तो काटना पड़ता है, उनको फिर रूल रेगुलेशन बताने पड़ते हैं, फिर सरकार की गाइडलाइन है, उनको बुक दिखानी पड़ती है, भाई देखो ये बुक है, ये चालान है, इतना इसका इतनी फीस लगेगी, तब जाके कहीं मानते नहीं, मानते नहीं। और सर कुछ तो झड़पे भी आ जाते हैं। झड़पे तो रोज होती है मैडम हमारे, झड़पे तो रोज होती है। अब हम एक का चलान कर रहे हैं, दूसरा बंदा निकल रहा है, कहते जी मेरा चलान पहले बाद में करना, पहले उसका करो, फिर तीसरा आ जाता उसका करो। मैडम ऐसे यहाँ तो मतलब झगड़े तो रोज करते हैं पब्लिक वाले यहाँ पर। सर ज़्यादातर लोग कौन सी उम्र के होते हैं जिनके चलान करते हैं? उम्र के तो ये जो यंग जनरेशन है, ये जो जवान बच्चे हैं, ये मतलब ये ज़्यादा मतलब जो लापरवाही करते हैं जी, जो बुजुर्ग हैं या मतलब ओवर एज हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो यंग उम्र के लड़के हैं वो पता नहीं मास्क लगाने में अपनी तो नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं अवेयरनेस मतलब है नहीं उनको, क्या सिस्टम समझ में, वो कहते हैं हम तो पहली बार आए हैं ऐसे बोलते रहते हैं। पहली बार तो कोरोना, हाँ अब कोरोना तो 2.5 साल हो गए जी, अब इस बात को नहीं मानते ना, वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं है यहाँ पर मास्क लगाना है कि नहीं लगाना, रोज़ अखबारों में टीवी में न्यूज़ पेपर सब जगह तो मतलब खबरें आती हैं जी। सर और सर जिसकी सुखना लेक पर अभी जैसे कोरोना की भी चल रही है ड्राई वैक्सीनेशन हो रही है यहाँ पे, यहाँ रोज यहाँ टीके लगते हैं, सामने टेंट लग रहा है, दिखाओ इधर ये इधर जो है ना टेंट लगे हुए, कोरोना वैक्सीन लगती है रोज डेली इधर। और वहाँ पे भी सर पूरी आप सुरक्षा रखते हैं कि सोशल डिस्टेंस? हाँ, हमारी सुपरविजन में ही लगता है, यहाँ पर हमारी सुपरविजन रहती है, यहाँ मतलब देखते हैं सबको, जो गाइड करते हैं भाई इधर अपना वैक्सीनेशन कराओ, अपना फ्री में वैक्सीनेशन हो रही, सरकार फ्री में वैक्सीनेशन करा रही, और क्या चाहिए जी। सर शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो अभी हम बात की सब इंस्पेक्टर से, और ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।